दोस्तों देखते हैं आज क्या बना रही हैं ये। कल तो बोल रही थी कि पराठा बनाएंगे, ये बनाएंगे, देखिए। अरे वाह भाई साहब, क्या बन रहा है? आलू का पराठा। वाह वाह, ज्यादा कैसे मिलेगा खाने के लिए? ज्यादा किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या? पराठा ज्यादा ज्यादा खाने के लिए किसे मिलेगा? मैं तो कोई मिलेगा, क्योंकि ना मेरा भी पसंद का है गुन्नू का, मतलब हम दोनों को अच्छा लगता है आलू का पराठा। बस आप दोनों ही खाओगे और कोई खाएगा? चलो ये पराठा बनाती हैं, बनने लगेगा तो फिर मैं आगे का दिखाऊंगा, ठीक है? फिर मुझे काम है और तुम्हें काम करना चाहता है अपना। हाँ चार्जिंग कर लगा हुआ है तो ये यहाँ पे बैठी हुई है, अपना बैठ के पढ़ाई कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ही क्रेडिट दिया जाएगा, इन्होंने ही चार्जिंग में लगाया है, इनको फर्स्ट प्राइज दिया जाए, चार्जिंग में इन्होंने लगा दिया। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं, इन्होंने पराठा बना लिए हैं, कितने बन चुके हैं और कितने क्या हैं। इनके पराठे बन रहे हैं ये, लास्ट तो लास्ट है, थोड़ी ना टाइम पे आ गया भाई, अगर नहीं थोड़ा सा लेट होता ना तो ये भी देखने को नहीं मिलता। तो ये है, और यहाँ पे इन्होंने बना के पूरा ढेर लगा दिया पराठों का, क्योंकि आप 10 पराठे से पक्का खाते नहीं, हम दोनों लोग एक एक पराठा खाते हैं। कुछ एक एक नहीं खाती है पराठा, तीन तीन चार चार खा लेती है बैठ कर। हाय हाय, एक तो छोड़ बोल ले, दिखा दूंगा मैं आज, चाहे हो सकता है रिकॉर्ड कर दूंगा, काउंटिंग कर दूंगा कितने पराठे जा रहे हैं इनके। 1 2 3 4 अच्छा, खुद 10 12 12 खाते हो? तो भाई मैं आदमी हूँ, मैं ज्यादा खा सकता हूँ, मेरा टमी उतना बड़ा, मैं मोटा हूँ, मैं ना सोच हूँ कि मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। नहीं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तब तो एक ही दो खाते हैं, पर रेस्टोरेंट में वो मजा नहीं आता है वो चीज़ खाने का। अगर वैसे मिले यूपी में मिलते हैं ना पराठे यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हरी मिर्ची मसाला पता नहीं क्या क्या डाल के मस्त बनाते हैं, कसम से पानी आ गया मुँह में, शानदार होता है। पराठे खिलाऊंगी मैं सबसे पहले अपने घर जाके, आपको तो रेस्टोरेंट में भी मिल जाएगा वैसा पराठा खाने। नहीं मैं ये कह रही हूँ जब घर चलेंगे ना, मेरे घर जाएंगे वहाँ पराठे मिलते हैं एक ढाबे पे, बड़े मस्त। हाँ तो चलेंगे, जिस ढाबे में अच्छे मिलते हैं वहाँ पे जाके खाएंगे पराठे दबा करके। ये अच्छा है, देखो आजकल क्या रिकॉर्ड होता है तो चीज़ सही है, रिवाइंड करके बोलता था भाई ये चीज बोली थी तूने करने के लिए, नहीं किया ना अच्छा बात है। आपने तो बहुत सारे झूठ बोले मुझसे, अब ये मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। शुरू शुरू भाई साहब लड़ना, मतलब है कुछ भी हो चाहे नहीं हो, इतने झूठे न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी वही चीज है, लड़का पकड़ ले रहा लड़कियों को, है ना कि हाँ ऐसा है, आपने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, है मैंने ऐसा कब बोला था, है मैंने ऐसा नहीं बोला था। अभी लड़का चाहता नहीं चीज करना, लड़का चाहता नहीं चीज करना, लड़की को बस टॉपिक चाहिए कैसे भी लड़ लो अपने पति से दिन के अंदर, वैसे तो घर में लड़ाई में लड़ भी लेते हैं, चलता मैंने तो भी लेते हैं लड़ने लग जाओ। खाना का बुलावा आ चुका है, चल रहे हैं दोपहर का लंच करने के लिए, टाइम हो रहा है 2:13 का, तो चलिए खाना है, पराठे बने हुए तो अपन मजे करेंगे पराठे खाते, कन्फर्म जैसे ही निकालेंगे ना खाने को, खाना खाने आ जाओ खाना खाने। तो इनका क्या सीन है कि भाई इनके पास मुँह से निकलना चाहिए, जल्दी आ जाओ खाना खाने। आधे घंटे से बुला रही हूँ मैं आपको। हाँ मुझे आधे घंटे से बुला रही है, पर ये मेरा काम है, मैं वो बीच में कैसे छोड़ के आऊँ, वो पूरा कर लूँगा तब मैं बात, मेरे को बीच में मतलब छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, एक चीज़ पूरी कर लो फिर करो, अभी बुला रही खा आ जाओ ठंडा हो जाएगा। अरे गर्मी में क्या खाना ठंडा हो जाएगा, गर्मी में तो जैसा खाना वैसा रहेगा, अभी तक क्या ठंडा हुआ, कुछ ठंडा हुआ? चुपचाप खा लो। हुआ ठंडा? हाँ पराठे ठंडे हो गए, मेरे को पराठे ठंडे समझ में नहीं आते। ध्यान से देखिए इस लड़की नारी को, ये नारी बहुत ही अत्याचारी, बेचारे ऐसे भोले बच्चे पे कितना अत्याचार करती है। भोले बच्चे पे नहीं करती मम्मा। एक ही मोटा फ्री में ना, फ्री में कोई देखा जाए ना कि चमचागिरी करवानी हो किसी के लिए, कोई किसी को ना इलेक्शन में वोट कराना हो ना या कैंपेन कराना हो, हाँ कि भाई वोट देना तो फ्री में ले जाइएगा, फ्री में बहुत बड़ी चमचागिरी करती भाई साहब इतनी। तो ये सब चीजें तब मैं कर लूँ, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो पराठा बजे इनका तो शुरू हो चुका है, भेड़ चुकी है लेकिन धनाधन का शुरू हो रखा है। लेट हम लोग राइट समय बदल जाता है भाई, ऐसे ऐसे समय बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मैं खाना खा लूँ नहीं तो थाली भी बदल जाएगी। चलो ठीक है खाना खा के फिर आता हूँ मैं आपके पास में। थाली बदल जाएगी आपको। दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है 5:30 का और इच्छा कर रही चाय पीने की, तो अब इनको तो बोल नहीं सकता क्योंकि ये ना भाई सो रही है, जैसे कि कल मैं थक के सो रहा था तो सो रही सो रही है, मैं चलता हूँ चाय बना के लेके आता हूँ, खुद ही पीता हूँ और इनको भी पिला देता हूँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर देना पी, मेरे पास है थोड़ा सा टाइम है, अभी कुछ काम हो नहीं रहा है तो अभी बना दूंगा तो भी पी लेंगे। चलो चाय बनाता हूँ, चाय मैंने यहाँ पर रख दी है, चाय मैंने रख दी जो बन रही है और बाकी चीज़ों की मैं तैयारी कर लेता हूँ, कप वगैरह भी चाहिए, तो बन गई चाय,
लेके चलते हैं, जगाते हैं। ओ भाई साहब, हेलो, सुन रहे हो? ओ नींद, ओ हिपापट मत मोटू। हेलो सिमरन जी, उठ जाइए, कृपा करिए हम पे। उठो, चाय बना के लाऊं मैं। चाय बनाओ, चाय चाय। लो जी, अब सो रहे थे, देखा बना देता हूँ चाय। ये कम वाली मेरी, ये मैंने रख ली अपनी, और मस्त, बिल्कुल बिल्कुल जैसे लगनी चाहिए ना, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल मस्त। चलो चाय पियो, मैं भी चाय पीता हूँ। दोस्तों, आज काम करते करते रात का टाइम हो चुका है 8:44। अभी तक हमारा डिनर हो जाता था पर नहीं हो पाया, क्योंकि आज थोड़ा सा लोड ज़्यादा था, इस कारण से नहीं है। तो अब चलो देखूँ क्या कर रही है वो, चलो जाके नीचे घूम के आ गया। माँ बेटी ऐसे ना आजकल मेरे को पूछती भी नहीं है, दोनों भाई दोनों है ना, मतलब इनका फ्रेंडशिप हो चुकी अच्छी खासी, मेरे को पूछती भी नहीं, जाती अपना घूम घूम चली जाती है। मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ कहाँ गई पता ही नहीं भाई साहब। हाँ, आप अपने काम में लगे थे ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब किया मैंने। ओके ओके, क्या बनाए खाने में? कुछ भी नहीं, पराठा, बस पराठा। आज तो आपकी ड्यूटी थी ना खाना बनाने की, तो आप भूल गए। क्यों ऐसा अत्याचार कर दिया, कोई गलती वलती कर दी क्या मैंने? yes. क्या एक भी दिन हाँ, गलती कर दी, पहाड़ मम्मा के ऊपर फेंक दिया पहाड़। आज आज इनकी शक्ल देखो, मेरी बिंदी लगा पूरा दिन से घूम रही है। मैं कुछ कहने का मेरा मन होता है तो रुक जाता हूँ। मैं ना जिस दिन कहीं अकेले घूमने जाऊँगा ना, वो व्लॉग देखना भाई साहब, कसम से मजा आएगा। मैं अकेले मतलब घूमने कहीं इधर उधर हो जाऊँगा या कोई काम से, तो वो व्लॉग देखना, उसमें मैं भड़ास निकालूंगा वहाँ अपनी जगह के, क्योंकि मैं सामने रहूँगा नहीं तो भाई मुझे ना सुना पाएंगे ना बोल पाएंगे, बाद में जो होगा बाद में देखा जाएगा। प्लीज़ बता दो क्या बनाया होगा। मैंने कुछ नहीं बनाया। तो यार खाना क्या खाएंगे फिर? ये मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़ से, तो खाना एक दिन का व्रत नहीं रखा? नहीं, मैं नहीं रह सकता व्रत। पापा इसलिए नहीं खिलाएंगी, मम्मा हम डोनट खा लेंगे और मम्मा आपको इसलिए नहीं खिलाएंगे क्योंकि क्योंकि आपने उनके चोट लगा दी और आप काम करते शाम में उनको डरा दिया। हो गया? हाँ। उड़ो, बताओ तुमने यार क्या बनाया? भाई तो अब बनाओगे? हाँ, मतलब खाना बनेगा अब? ये भाई 9 बजने वाला है, तो क्या हो गया? उस दिन आपने 10:30 खाना बनाया तो दिन मेरी तबीयत खराब थी। ये लड़की ने बदला लेने लग गई भाई, आजकल बदल गई है, बदल। शादी के बाद सब बदल जाते, तो मैं नहीं बदलूं। कौन बदल गया? आप बदल गए। मैं क्या बदला जरा बताना? पहले कितने प्यार से बात करते थे मुझसे, सारी चीजें, और अब? ओ मेरे सोना बाबू, मेरे रसगुल्ले, पेड़ा, बर्फी, मिठाई, बना दो खाना प्लीज। मैं आ रही हूं, अब तो प्यार से बात कर लिया यार। क्या बोलते हैं? रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत चाहिए आपको? पापा, उस रिश्वत के अंदर तो मैं जाके बाहर से खा के आ जाऊंगा, पर समस्या ये है ना सर, होटल है बंद, लॉकडाउन अभी मेरा राज्य है। चलो इनको बनाए दो, इनको अभी मस्का मारते मारते मिलते हैं। देखो घरवाली होगी तो है ना, मस्का मारेंगे पर अभी खाना बन जाएगा उसके बाद मारेंगे। कैमरा रखने के बाद? हाँ, कैमरा, ये तो कैमरे में मस्का मारना सबको पता नहीं चल जाएगा कि मैं मस्का मार रहा हूँ। कैमरा वो क्या बोलते हैं, पुरुष शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैन विल बी अ मैन, पता नहीं क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान। हाँ, कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। हाँ बोलो। हम कह रहे हैं मम्मा को प्यार से ऐसे बुलाना है, मम्मा प्लीज खाना बना दो। ये भी मंत्र सीखी है, मम्मा प्लीज, पापा प्लीज, मम्मा प्लीज खाना बना दो। ये मेरी मम्मा है। हाँ, हट, उठ उठ। तो देखो सीधी बात है, मस्का मारा जाएगा पर मस्का अभी नहीं मारा जाएगा। क्यों?
अभी मारूंगा मस्का तो गड़बड़ जाएगा ना। प्यार से बोलता, मिले बाबू, ए मिले, ए मेरे गोलू मोलू है, खाना बना दे। एक दिन आप नहीं बना सकते? तब तो खा लिया सब, मैं खाना एक दिन मैंने बनाया था, सब्जी 3 दिन पड़ी रही थी फ्रिज के अंदर और 3 दिन बाद वो फेंकने गई थी। मतलब उनको मैंने बोला कि पराठा बना दो, बोले इतनी गंदी सब्जी है इसका पराठा बना दे तो वो भी कोई नहीं खाएगा। पराठा से याद है दिन का एक पराठा पड़ा हुआ है वो खा लेते हैं। भाई साहब ये तो पूरा घर में हेलोजन जैसा रखा है, पता है कि लाइट जलाने से कोरोना हो रहा है घर में। तो आज खाने के अंदर है स्पेशल, आज खाने के अंदर है चोखा, यूपी की बहुत फेमस डिश है। वैसे वहाँ पे चोखा और भौरी खाने बोलते हैं, भौरी बोलते हैं पूर्वांचल की तरफ में जहाँ से मतलब मेरे पापा बिलोंग करते हैं, मैं भी वहीं से करता हूँ। बस ये कि जयपुर में पैदाइश हो गई, यहीं रहना हो गया तो मैं अब यहीं पे रह गए, नहीं बहुत कम जाना होता है तो वहाँ पे भौरी चोखा बोला जाता है इसको। कोई उधर का देख रहा हो तो बता रहा हूँ भैया कैसा मज़ा आता है इसको खाने में, पानी आने लगे मुँह के अंदर से। ठीक है अब हमारे ये चुहिया कुछ बोलेंगी, बोलिए। हो गया कूदो। तो खाने की हमारी टेबल सज चुकी है, टेबल मतलब से हमारी डाइनिंग टेबल बहुत अजीब टाइप की और बहुत मस्त है, जहाँ मन कर वहीं उठा के लेके निकल लेते हैं। मन करेगा तो बेडरूम में पहुँच जाएंगे लेकर के, मन करेगा तो ड्राइंग रूम में लेके आ जाएंगे, ये अच्छा है। अभी मानो अगर परमानेंट डाइनिंग टेबल होती तो भाई वहीं बैठो, और मुझे लगता है ना कि जो अलाती पलाती मार करके बैठ के खाने में मजा आए ना वो डाइनिंग टेबल पर नहीं है। तो भैया इससे पहले कि खाना मेरे अधिकार से छीन लिया जाए उससे पहले खाना खा लिया जाता है, सही है। और खाने में एक तो चोखा हो गया है, रोटी है और इन्होंने दलिया भी बनाया है क्योंकि इनको मीठा खाने का 2-3 दिन से मन कर रहा है। कई लोगों को खट्टा खाने का मन करता है, इनको मीठा खाने का मन कर रहा है। मतलब आप वैसा मत समझना कि आप उसको यहाँ अलग ले जाओ, ठीक है। इंडिकेट करना, ठीक है। तो अभी मैं सीधा क्या इंडिकेट करना चाह रहे हो? मतलब ये कि वो वाली बात नहीं है जिस आप समझ रहे हो, अभी तो शादी हुई है तो अभी कैसे यार वो वाली बात हो जाएगी यार। मतलब यार गलत बात, इतना नहीं ऐसा गलत गलत सोचना चाहिए, नहीं। और अगर ना अभी तो है यहाँ पे दिख रहा है ये, इनको ही संभाल लेना, इनको संभाल ले तो बड़ी बात है। अभी तो रात का भोजन ग्रहण करते हैं जिसको डिनर बोलते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे के मजे लेते हैं, खाना खाने में आनंद ही आनंद। फिर टहलने जाएंगे तो आगे के तो जा रहे हैं भोग करने के लिए। ये रोटी लिए जो बची है तो डॉग के हिस्से के उसको डालने जा रहे हैं। इनको नीचे उतरता है ना खेलने का बहुत चढ़ता है, खेलने ही चलो भाई साहब, सीधे खेलने ही चलो सीधे। नहीं रोटी डाल के टहलेंगे, खेलेंगे नहीं। ओके दोस्तों आज के पूरे ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ब्लॉग सबको बहुत पसंद आ रहे होंगे क्योंकि आप बहुत समय देते हो मेरे ब्लॉग के ऊपर। तो दोस्तों लाइक एक बनता है, इसके लिए मेहनत है मेरी। क्यों रात के 12:22 के आसपास का समय हो चुका है और यहीं पे हम पूरे ब्लॉग को समाप्त करने जा रहे हैं। एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मैं, मेरे ब्लॉग में कोई भी ऐसी कमी लगती है, आपको लगता है कि कुछ बदल देना चाहिए, कुछ नया चेंज करना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा एक फैमिली ब्लॉग है जो देख करके अगर आपको लगता है कि हाँ यार अच्छा है, फैमिली मिलकर के पूरे मेहनत करें, तो प्लीज इस फैमिली के लिए कमेंट करके बताइए कैसा लगता है ब्लॉग आपको। ब्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे एक नई एनर्जी के साथ में। और दोस्तों एक चीज और, नीचे सब्सक्राइबर बटन आ रहा होगा यार, प्लीज यार सब्सक्राइब करो। आप सब व्यू देख मतलब वीडियोस पूरी देखते हो आप पर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप सब्सक्राइब कर दोगे, बगल में बेल आइकन आ रहा है उसको हिट करके उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, तो कम से कम लगे कि मेरी मेहनत कुछ रंग लेकर के आ रही है।